Hello, Shilpa ji. Hello. Hello, Geeta ma ji. Hello, Anurag. ये क्या कर रही हैं आप? अरे अनुराग नाम है ना इनका, तो अनु के पीछे राग गा रही हूँ. वैसे कपूर शर्मा, बताएं मेरे बारे में. ये हमारी सोसाइटी की टीचर है और ये बहुत अच्छी तरह से हमारे जो बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं. This man, na, his presence always gets a lot of nonsense. Now I'm tense. Anyways, let's not spoil the moment. मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आपके शो सुपर डांसर में पार्टिसिपेट करें. आप उनका ऑडिशन भी ले सकते हैं. लेकिन बिफोर दैट, अनुराग जी. हाँ जी. ये सब तो मुझे टीचर की नज़र से देखते हैं, लेकिन आप एज अ डायरेक्टर मुझे हीरोइन की नज़र से भी देख सकते हैं. आई वुड माइंड. ये क्या कहा? ऐसे मतलब बराबरी में देख रहा था, लो एंगल में. ओह माय गॉड. ये कोफ्ता जो आपने ऊपर रखा है, इसको बना भी नहीं सकती आप. वो आपको हीरोइन की नजर से नहीं, वो आपको गेट आउट की नजर से देख रहे हैं. हाउ यू जस्ट, दिस इज वेरी अनफिट. जस्ट शट अप एंड सेट ऑन जिजर. व्हाई वी टॉक व्हाई यू इंटरफेयर ऑलवेज. टू मच. अनुराग जी. हाँ जी. मुझ में और शिल्पा जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस इनकी थोड़ी टांगे लंबी है, थोड़ी वेस्ट कम है और सुंदर बहुत ज्यादा है. बाकी तो सब सेम टू सेम है. क्या बस इसका ये बस मेरे ज्यादा अच्छा है. तो बताइए, वैसे बीइंग अ टीचर मैं बताना चाहूंगी कि फिल्म में थोड़े से अगर ऐसे वैसे सीन हुए तो मैं बिल्कुल करूंगी. आपको एक्टिंग आती भी है कि नहीं? कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगी. ये तो हीरो हीरो वाला डायलॉग है. तो हाँ, तो मुझे फिल्म में एज अ हीरो रख लीजिए. जी जी. तुम हीरो कैसे बन सकती हो? अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में लड़के लड़की बन सकते, लेकिन मैं हीरो नहीं बन सकती. अनुराग जी. हाँ जी. How was the performance? You can sign me. आप ऐसे ना किया करें, आपका गुलाब उनके नाक में घुस रहा है. आपको जान के खुशी होगी कि आपको बेटे देश निकाल दिया जा रहा है. दो दुनी चार, चार दुनी आठ, इस बंदे की तो मैं लगा दूंगी. क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ, क्या दिख नहीं रहे? आपके बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो बाद में होंगे, पहले शादी तो हो जाए. और अभी तो शादी के लिए उन्होंने हाँ भी नहीं की है. अरे पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ. ओके ओके, बुला रही हूँ. पहले मंच तो तैयार कीजिए. बच्चों आ जाओ. एक सेकंड, आपके बच्चे परफॉर्मेंस दिखाएं. कितना अच्छा लग रहा है. और आज माँ और पा इकट्ठे आए हैं. माँ पा कहाँ हैं? ये गीता माँ और ये शिल्पा. ये कैसे बच्चे हैं? ये कहाँ के बच्चे हैं? किस टाइप के बच्चे हैं? ओवरग्रोन बच्चे हैं. असल में हम ना सीनियर कोटा टाइप बच्चे हैं. जी, हम इनसे फीस नहीं लेते, हम इनसे पेंशन लेते हैं. ये अनुराग सर, एक्चुअली मैं बताता हूँ, मेरी सोसाइटी के बच्चे बहुत गंदे बच्चे हैं. ये जो सबसे उस तरफ खड़ा ना, ये तो नहाता ही नहीं है. बिल्कुल नहीं नहाता. लोगों की ईमेल आईडी होती है, इसकी मेल आईडी है. आपके बच्चों के ऑडिशन होंगे, पहले मेरी जज्जी से दरख्वास्त है, आप इस अपने पैनल पे आ जाइए. जूरी सारी इधर आ जाए. इनको करना है ऑडिशन? इनका ऑडिशन आपको करना है. इतने बड़े बड़े बच्चे कहीं देखे आपने पहले? कहीं होते 100 करोड़ की बर्फी भी कहाँ होती है? इनकी थी ना. आपको पता ही थी. अनुराग जी, कब तक ये बर्फी खाते रहेंगे? कभी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो. Thank you.
मैडम आपका ना एंटीना एक्चुअली ज्यादा नेटवर्क पकड़ रहा है, आप इसलिए ओवर कर रही है। देखिए ये कौन से रंग दिखा रही हैं आप, ये सोनी टीवी, यहाँ पे रंग दिखाना मना है। I'm extremely sorry. I'm actually Miss Sony. बच्चे अपने आप परफॉर्मेंस कर लेंगे, आप उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें जिसको। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुझे लगा भाई, बहुत अच्छा। मैं बोर हो रहा था, आपका जुड़ा घुमाऊंगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। You don't tell me this, I'll beep. This man is so cheap. इतनी अकल नहीं कि एक लेडीज इतना भारी बैग उठा रही है, हेल्प करवा दूं। अरे मैं भी हेल्प करा देता हूं आपका, इतना भारी बैग लेके चल रही है आप, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, मैं हेल्प करा देता हूं आपकी। अरे ये लो ये लो ये लो, हल्का हो गया, ये आ गया, ये लो हल्का हो गया, अब खींचो, अभी सही है, खींचो, देखो हल्का हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए, एक लेडीज का बैग ऐसे खोलते हैं कोई? शर्म आपको आनी चाहिए, लड़की होकर छोटे छोटे कपड़े सूटकेस में रखती है। देखिए चलो चेंज करके आओ, चलो ये मेरे घर पहनने वाले कपड़े हैं, घर पे पहनती हूं मैं, घर पे पहनती। मैं यहाँ दिल्ली से मुंबई आया हूँ एक्सपोजर देखने, और तुम छोटे छोटे कपड़े घर पे पहनती हो, वाह, चलो जाओ चेंज करके आओ। चेंज करके आओ, तुम्हारे लिए 100 का चेंज ना करा के लाऊं, चेंज करके आओ, बड़ा आया। मैं सिद्धू साहब एक आपको बात बताता हूँ, ये पता है छोटे छोटे ड्रेस क्यों नहीं पहन रही, इसके पक्का गोटे गंदे होंगे इसके। गोटे मतलब दिल्ली में घुटने को गोटे बोलते हैं। अच्छा ये लड़कियां फोन पे लगी रहती हैं, ये नहीं कि टाइम निकाल के गोटे धोलो। Just shut up. मैं किसी से फोन पे बात नहीं करती हूँ, अच्छा? कोई लड़का मेरे से फोन पे बात नहीं करता है। क्यों करेगा जिसके गोटे गंदे हैं? कोई लड़का क्यों बात करेगा? दो दुनी चार, चार दुनी आठ, इस बंदे की तो मैं लगा दूंगी। वाह देखिए, मैं आपको लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, वार्निंग नहीं, मैं आपको ग्लोबल वार्निंग दे रही हूँ, अगर आपने मेरे बारे में कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गलत बात है, आप गलत इन्फॉर्मेशन है, आपसे बुरा नहीं, आपके जुड़े से बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैं उम्र में तुमसे रोमांटिक हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल दीजिए, दुनिया में आए कुछ तो करके जाना चाहिए, इस उम्र में और तो कुछ होगा नहीं, सलाह दे दीजिए। तो मेरी तुमसे सलाह है कि दबा जाओ यहाँ से। मैंने बदतमीजी कर दी, अभी तो नहीं हुआ टाइम, लेकिन मेरा ड्रिंक करने का टाइम है जैसे 7:30, उसके बाद मैंने जुड़ा घुमा देना आपका। सिद्धू जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? सिद्धू जी ने मुझे कल कहा था, क्या कहते, ठोको ताली मैंने ठोक दी। मैं अच्छे लोगों का मैं बहुत फैन हूँ, मेरे को जो कहते मैं कर देते। अच्छा वैसे जुड़ा खराब करने के अलावा और क्या करती हैं आप? खबरदार जो अब आपने मेरे जुड़े के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं खानदानी लड़का, अपने खानदान के विचारों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने आदर्शों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने परंपराओं से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे आपके जुड़े से क्या लेना देना, मेरे को पसंद नहीं आया। अथू सिद्धू जी आपने फोन पे जो भी शर्तें रखी थी मुझे सब मंजूर है, लेकिन इसको मना कर दीजिए, इस बंदे का मूड बंद करवा दीजिए, बड़ा तुरम खान बना फिरता है। मैं बहुत ज्यादा विश्कार करता हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी आदमी, मैंने एक डिवाइस बनाया था साहब, उसको आप थोड़ा सा खा लेंगे आपको भूख नहीं लगेगी। कौन सा डिवाइस? आलू का पराठा। बिना आलू के वो भी। मैं रहता हूँ देखो पहाड़गंज से मैं आया हूँ, इसके अलावा मैं क्या बना लूंगा, मैं रेलवे स्टेशन के पास पहाड़गंज के पास रहता हूँ, मैं एक सलाह देने जाता हूँ, या तो आदमी का घर रेलवे स्टेशन के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, हर आधे आधे घंटे में नींद खुल जाती, ट्रेन आ जाती है। डॉक्टर गुलाटी, मुझे जुड़ा फिर भी नहीं पसंद आया। गुलाटी, अरे थोड़ा सा घुमाने दो, क्या फर्क पड़ता है? अबे ए गुलाटी, अबे ए गुलाटी क्या होता है? अबे ए गुलाटी नहीं, एमबीए गुलाटी। एमबीए मतलब? मैं भी आया। वैसे डॉक्टर गुलाटी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड। मुझे लगा था कि आप ही आखिरी घटिया इंसान है इस दुनिया के, लेकिन ये तो आपसे भी घटिया है। अरे अपने घर में लोग कबूतर रखते हैं, तोता रखता है, भाई ऐसे बेपंती का लोटा कौन रखता है? मैं अच्छा मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, गंदे जुड़े वाली मैडम, ये मेरा छोटा भाई है गुलाटी, मैं इसका छोटा भाई हूँ रोड़ा, मैं छोटा भाई हूँ लेकिन ये आदमी बहुत छोटा है। राजेश, एज ए डॉक्टर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एज ए मरीज सुनना नहीं चाहता। लेकिन मेरा एज ए डॉक्टर एक फर्ज बनता है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। क्यों, क्या हो गया मेरे को? क्योंकि ये घर मेरा है, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे पता था
ये बात तुम मुझे कहोगे कहोगे, मैंने इसका बदला रात को ले लिया था। रात को तुमने गुलाटी जीरे आलू खाए ना? आलू जीरा, हाँ पता है। वो तो जो जीरा था ना, वो जीरा नहीं था, मैंने 14 मच्छर मार के आलू में डाले थे। अरे यार मेरे को बड़ा मजा आया। तूने मेरे को मंगलवार को नॉन वेज खिला दिया। यहाँ से चला जाओ, नहीं तो मुझे भी दिल्ली वाला घर दे। मैं दिल्ली वाला घर बिल्कुल दे देता। सिद्धू साहब, मेरे बुजुर्गों ने घर लिया था, वो जब वो मैच हुआ था ना, वो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था 1990 में, हाँ, जिसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। उसके ठीक 50 साल पहले मेरे दादाजी ने घर लिया था। मैं वो घर बिल्कुल नहीं दूंगा, वो मेरा घर है। तो फिर यहाँ से चला जा। मैं चला जाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ऐसा कैसे चला जाएगा भाई? पहले ये पेपर पे साइन तो कर दे। लो, मैं इसमें क्या है? मैं इस पेपर पे साइन करना होगा। लो, मैं कर देता हूँ, ये लो। बस इतनी जल्दी मान गया? और यार वो कौन बोलेगा, सारा सीन ही खराब कर दिया गया। जाओ पहले उस आदमी का सामान लेकर आओ वगैरह, मेरे हाथ पे लिखा मेरा बाप चोर है वगैरह, वो कौन बोलेगा? मैं देख गुलाटी, मुझे ऑटोग्राफ देने का बड़ा शौक है, मैं दिल्ली से मुंबई आया इसलिए हूँ। अच्छा जब तक हम बातें कर रहे हैं, आप खड़ी, आप जूड़ा कटवा के आ जाती। दबा जाओ यार, दबा जाओ, चलो यार। मैं बकरा ऐसा कसाई नहीं रखता जैसा तुमने भाई रखा हुआ है। एक मिनट, हट। देखिए मिस्टर अरोड़ा, मैं यहाँ पर एक महीने के लिए पीजी पेइंग गेस्ट रहने आई हूँ, समझे आप? गुलाटी मैंने चाची जी को जाके बोल देना तू घर पे लड़के रखता है। sin theta cos theta, कसम पैदा करने वाले की अगर इस बंदे को मैंने नहीं पीटा। देखिए आप दोनों को जो करना है आपस में करते रहिए, मुझे अंदर जा रही थी, मैंने इनको एडवांस पैसे दिए। देखिए जब दो मर्द आपस में बात कर रहे हैं, आप जाके जूड़ा क्यों नहीं कटवा के आती? जूड़ा गंदा तो है। मैं सच आप जूड़ा गंदा तो, आपको इनको कुछ कहना चाहिए? मैं सच कह रहा हूँ, आप जूड़े की जगह कूड़ा रख ले, वो अच्छा लगेगा। सिद्धू साहब ये तो कुछ भी नहीं, डॉक्टर के पास गई, कहता क्या हुआ? कहती मेरी तबीयत बड़ी खराब है। कहता झूठ, जूड़ा सबसे ज्यादा खराब है। इसको पसंद नहीं आया। डॉक्टर गुलाटी कुछ कहते क्यों नहीं आप? अरे मैंने इसको बताया था तुम्हारे जूड़े के बारे में कि गंदा है। गुलाटी! यार मैंने तुम्हारे मुंह पे थूक फेंक देनी है। मैंने तेरे से भी दूर फेंक देनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहाड़गंज जाके आप बच्चे बच्चे से पूछ लो सबसे ज्यादा दूर थूक कौन फेंकता, सब कहेंगे रजेश अरोड़ा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। भाई ओके, भाई पे हाथ उठाएगा, भूल गया बचपन में मैंने तेरे मुंह पे थूका था। भूल गया मैंने तेरे को थापी से मारा था। मारा था यार, तूने मेरी बेइज्जती कर दी यार। मैं जा रहा हूँ अंदर रोने, मैं सबके सामने रोता नहीं। मुझे नहाने जाना है, सुनो। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरी पीठ पे साबुन लगा दोगी? फिर मैं समझ गया, जो लड़की अपने घोड़े पे साबुन लगाती मेरे कहाँ लगाएगी। आपको शर्म नहीं आती टीचर को साबुन लगाने के लिए कह रहे? टीचर साहब एक काम करो, फिर आप किताब ले जाओ, पढ़ते पढ़ते लगा देना। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते लगा दो। कोई नहीं लगाना, मैं जा रहा हूँ फिर, मेरे को आपकी बात भी नहीं जानता है। खबरदार अगर तुमने एक कदम भी अंदर रखा तो। मैंने चार बढ़ा लिए हुए पहले से। खबरदार अगर तुमने पांच कदम अंदर रखे तो। एक दो तीन चार पांच छः। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या बोलूं अभी। देखिए आप मेरा एक बात मुझे वापस कर दीजिए, बस मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक काम कर दे, मैं बात सुन भाई, सुनना सुनना। देखा भाई की जरूरत पड़ गई क्या? एक काम है, हम दोनों बेड पे सो जाते हैं, तुम नीचे चादर डाल के सो जाना। क्या बात हो गई? तभी तुम भी साथ सो जाओ, तीनों सो जाते हैं। मेरे को आपका जूड़ा पसंद नहीं, जूड़े वाला साइड उधर रखना। मेरे मुंह की तरफ जूड़ा है, मैंने फूट के उखाड़ के फेंक देना है। Just shut up and mind your language. दाढ़ियों में। माइंड योर जूड़ा, मेरे को पसंद नहीं आया। मैं बेड मैं ले गया था, मेरा बेड तो ये मेरा है यार, तुम कैसे दे सकते हो? मेरे को बाहर सो, मेरे को यार देखो शांति से सोचो तो किसी भी चीज का सलूशन निकल जाता है ना। एक तो ना बंदा ना चाय बना बना के थक जाता है। हटो यार तुम्हारा से यार, मैं ना सच्ची मैं इतना ज्यादा थक गया हूँ ना, थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए पाजी। अरे हाँ 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 दे रहा यार मैं। तुम कहाँ से बीच में आ गए, क्यों जाके तो मुर्गा बनो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना बनू, मुर्गा बनाओ? घुटने साफ किए कभी आपने? तो बताओ, और जुबान संभाल के बात करो मेरे साथ। मैं अपना पल्लू ना संभालू, जुबान संभालने की बात है।
एक मिनट यार, एक बात बताओ, ये मूड लड़ाई का है रोमांस का, क्या है? चल कर रहा है तुम्हारा पल्लू वल्लू? देखो मैं जो भी बनाना है बाद में बनाना, मेरे को थोड़ा सा पीनट्स वगैरह मंगा दो, मेरा ड्रिंकिंग का टाइम हो गया है, मेरा ड्रिंक करने का टाइम हो गया है। एक मिनट यार, बैठ उठो, मैंने पैसे दिए इसके। ओ तो मैंने भी तो पैसे दिए हैं। तूने पैसे दिए? हट मेरी बात। एक मिनट यार, अच्छा गुलाटी मैं, अच्छा तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो यार? देखो मेरी बात सुनो, नीचे आओ, मैं तुम्हारा सॉल्व करता हूँ। मेरी बात सुन। देखो मैंने तो सोना पी गए, तो मुझे तो आइडिया लगेगा नहीं, है ना? तो मैंने कर दिया गीला, तुम अपना। गुलाटी मेरे पैसे वापस निकाल। मेरे पास कहाँ पैसे है, इसने बेड खराब कर दिया, इसको देखो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.